सुबह के बज रहे हैं 7, बस 7 बजने ही वाले हैं, 5 मिनट ही बाकी हैं। और आज सुबह सुबह ही हमने अपना गार्डनिंग वर्क स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज संडे है और बहुत सारा गार्डनिंग का वर्क करना है। आपके साथ तो कुछ ही क्लिप हम शेयर कर रहे हैं। और देखिए, ये बहुत तेज़ धूप हो चुकी है, टेम्परेचर अभी बहुत हाई चल रहा है। हमारे यहाँ बहुत तेज़ गर्मी नहीं होती थी, लेकिन इस साल बहुत तेज़ गर्मी हो रही है और उसका असर प्लांट्स पर भी दिखाई दे रहा है और हम इंसानों पर तो दिखाई देता ही है। और देखिए, सुबह का वक्त है, सारे फ्लावर धीरे धीरे खिलना शुरू हो चुके हैं। और ये तो फ्लावर ही ऐसे हैं कि जब सनलाइट पड़ती है तभी ये खिलते हैं। और रोज़ का और कनेर का फ्लावर भी देखिए खिल रहा है। और इन सब पर अभी वाटरिंग की है, इसलिए ये यहाँ रखे हुए हैं। और देखिए धूप कितनी तेज़ है। ये ईस्ट फेसिंग एरिया है मेरे घर का। और इधर से देखिए, इस सारे प्लांट पे सुबह की ही हमने बताई थी आपको पहले भी कि इसमें सुबह की ही धूप लगती है, क्योंकि ये सारे ही सेमी शेड एरिया में रहने वाले प्लांट्स हैं, तो इनके लिए 2 से 3 घंटे की ही धूप सफिशियंट होती है। इस सब पर हम कर रहे हैं वाटरिंग। और इसके बाद हमें करना है अपने लोलिना को रिपॉट, जिसका प्लांटर टूट गया था आंधी में। तो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल माय होम गार्डनिंग एग्रोटेक में। और मुझे सपोर्ट करने के लिए और अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह अगर बने रहना चाहते हैं लंबे समय तक मेरे साथ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें और सपोर्ट करें। और मेरा उद्देश्य कभी भी ये नहीं रहा कि हम अपने सब्सक्राइबर बढ़ाएं, और बहुत ज़्यादा मेरे चैनल की ग्रोथ हो या ना हो उससे हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मेरा तो एक ही एम है कि आप सब लोगों को हम भी प्रोत्साहित करें गार्डनिंग करने के लिए, क्योंकि गार्डनिंग एक ऐसा ज़रिया है जो हम लोगों को मेंटली और फिज़िकली हील करता है। देखिए, मेरा पीस लिली अभी तक ठीक से सर्वाइव नहीं कर रहा है। और ये देखिए, ये इंग्लिश आईवी, इसमें नई ग्रोथ निकल रही है। और इतनी गर्मी में जब हम लोग प्लांट्स लगाते हैं और वो सर्वाइव करने लगते हैं, तो उसको देखकर बहुत खुशी होती है। शूट्स निकल रहे हैं इसमें, और ये सारे प्लांट्स भी देखिए अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा लोलिना, जिसका प्लांटर टूट गया था आंधी की वजह से, और आज हम इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। कई दिनों से ये पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो फ्रेंड्स, जैसा हम बता रहे थे कि गार्डनिंग हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़े ही प्लांट्स लगाएं अपने आसपास। और जब आप थोड़े प्लांट लगाते हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादातर एयर प्यूरीफाई प्लांट और हार्डी प्लांट लगाएं, जो सेमी शेड एरिया में रहने वाले हों, जिसे कि आप अपने घर के आसपास लगाएं। उससे आपके घर के आसपास ग्रीनरी भी बनी रहेगी और साथ ही आपको हेल्थ बेनिफिट भी मिलेगा, फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से आप उससे हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, हीलिंग होती है। तो देखिए, हमने अपने इसके रूट की ट्रिमिंग कर दी, और ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, पर इसकी खूबसूरती देखने में बनती है। ये मेरा लगभग 4 से 5 साल पुराना प्लांट है और इसकी हमने कर दी रिपोर्टिंग। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आजकल गर्मियों की वजह से बहुत ज़्यादा तो वीडियो नहीं मेरी कंटिन्यू आ पा रही है, लेकिन जो भी आ रही है, जब भी मौका मिलता है तो हम वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ हमेशा बने रहा करिए मेरे साथ। जब भी मेरी वीडियो आए तो प्लीज़ ज़रूर हमें सपोर्ट किया करें। और इस तरह से हमने इस पर कर दी वाटरिंग,
और अब ये मेरा प्लांट हो गया सेफ। और फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। और आप सभी अपने घरों में गार्डनिंग को अपने गार्डनिंग को एंजॉय करें और साथ ही गर्मियों से खुद को ज़रूर बचाएं। थैंक यू।